तो फ्रेंड्स मान लो कि आप बैठे हो यार, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आपके फ्रेंड को खानी है मैगी एंड आपको खाना है पास्ता। इंडिया की इकलौती बच्ची फूड ब्लॉगर और आप देख रहे हैं फूड चैट विद क्रेजी आन्या। तो फ्रेंड्स आज मैं आ चुकी हूँ ग्रीनरी में, नेचर के पास, एंड इतनी ज़्यादा ग्रीनरी हो रही है तो एकदम मेरे को गांव वाली एकदम फील सी आ रही है, क्योंकि इतनी मतलब गर्मी हो रही है एंड इतना ग्रीनरी में आपको क्या लगेगा, और सही लगेगा कि आप गाँव में आए हो एंड इतना बढ़िया मौसम भी हो रहा है। एंड फ्रेंड्स देखो इधर तो मुड्डे भी लगे हैं, एंड मुड्डों को हम सुनेंगे तो हमें क्या लगेगा कि हम आए हुए हैं गांव में, तो एकदम गांव वाली फील मेरे को आ चुकी है। तो आप सोच रहे होंगे कि आज मैं आपके लिए कौन सा नया खाना लाई हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ विदेशी खाना देसी जगह पे। समझ नहीं आया मैं बताती हूँ, आज मैं आई हूँ बिल्लूज हट पे NSP। तो यहाँ पे एकदम बढ़िया सीटिंग सी लगी हुई है, तो मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। एंड गांव वाली फील देने के लिए हमारा दोस्त क्रो भी साथ में काव काव कर रहा है, वो कह रहा है इसको सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। तो मेरे को तो बड़ा मज़ा आ रहा है। तो अगर आप जान चाहते हो कि मैं आज क्या खा रही हूँ तो बने रहो मेरी वीडियो में एंड तक। यहाँ पे दो क्रो आपस में बातें कर रहे हैं, एक बोल रहा है कि मैं तो अन्या की वीडियो देखता हूँ, तुम देखते हो क्या? वो कहता है हाँ मैं भी देखता हूँ, तो आप भी देखो जल्दी जल्दी मेरी वीडियो। तो फ्रेंड्स आपको एक चीज़ दिखाऊं रहा हूँ, फ्रेंड्स इनका जो ये पंखा है ना, इसमें से ना पानी निकल रहा है, और ना जैसे शादियों में जो पंखे लगे होते हैं ना, ये वैसा सा है। तो इसके पास में मुँह लेके जाओगे ना तो आपको मुँह एकदम पानी पानी हो जाएगा। चलो आ जाओ बैठते हैं और अब खाते हैं खाना। अभी ग्रीनरी में बैठ के तो मेरे को खुद को इतना बढ़िया लग रहा है, एंड यहाँ पे इतनी सारी बर्ड्स है मेरे से बातें कर रही है, तो मेरे को तो खूब मज़ा आ रहा है। एंड अब मैं आपको बताती हूँ इनके पास क्या क्या है। इनके पास वैसे काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मतलब सारी चीज़ें ही हैं ऑलमोस्ट, पर जो मैंने मंगाया है वो है इनका पास्ता मैगी। एंड ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा एकदम यूनिक सा लगा, तो अब मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड मैंने मंगाया इनकी अफ़गानी सैंडविच, मैंने सुना है अफ़गानी सैंडविच भी इनके काफ़ी ज़्यादा फेमस है, तो आज हम वो भी ट्राई करने वाले हैं। तो वेट करते हैं अपने ऑर्डर का। पर एक और बात कि ये प्योर वेज है, तो मेरे को तो मज़ा आ गया क्योंकि मैं वेज हूँ। एंड अगर एक जगह पे बिना नॉनवेज के इतनी सारी वैरायटीज मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, इतने मैं बातें कर रही हूँ अपनी फ्रेंड्स से, वर्ड्स फ्रेंड्स से, तो आप भी उनके साथ बातें कीजिए। हेलो हेलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? मैं बैठी हुई हूँ ऑर्डर का वेट कर रही हूँ। तुम्हारा भी खाना तुम्हारी मम्मी ला रही हैं क्या? अच्छा तुम भी वेट कर रहे हो, फ्रेंड्स वो भी वेट कर रहा है अपने खाने का। तो फ्रेंड्स अब हमारी दोनों डिशेस आ चुकी है, जिसमें से ये हमारी है अफगानी सैंडविच एंड ये है हमारा पास्ता एंड मैगी का फ्यूजन, जो कि मेरे को देखने में तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड मैं आपको सबसे पहले ये ट्राई करके बताऊंगी ये कैसा है। एंड फ्रेंड्स इसके ऊपर देखो ऑलिव्स, चीज़ स्लाइस, कोरिएंडर डाला हुआ है। इसकी प्रिपरेशन मतलब इसके जो बोलते हैं एकदम देखने में भी इतना बढ़िया लग रहा है, खाने में देखते हैं कैसा होने वाला है, बिकॉज आई एम सो एक्साइटेड। फ्रेंड्स इसके अंदर देखो कॉर्न भी है एंड ये क्या है हमारा, दिस इज कैप्सिकम एंड अनियंस भी हैं। पास्ता तो देखो फ्रेंड्स, ये देखो दिस इज मैगी एंड दिस इज पास्ता। तो अब हम टेस्ट करते हैं अपना मैगी पास्ता। फ्रेंड्स मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। फ्रेंड्स इतना बढ़िया है, मैं आपको क्या बताऊँ, मतलब इतना ज़्यादा क्रीमी है सच में, एंड इतना बढ़िया लग रहा है खाने में भी। तंदूरी सॉस जो इसमें डली हुई है, मिक्स सॉस, उसका भी इतना बढ़िया फ्लेवर आ रहा है मुंह में, एंड सच में काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है। मतलब ये चीज़ बच्चों को तो काफ़ी ज़्यादा पसंद आने वाली है। अब चीज़ के साथ थोड़ा सा चीज़ी बनाते हैं, ऐसे और क्रीमी बनाते हैं और खाते हैं। फ्रेंड्स
एकदम बढ़िया लग रहा है, अच्छे से कुक्ड है ये। एंड इसके अंदर जो तंदूरी सॉस है उसका भी काफ़ी बढ़िया टेस्ट आ रहा है। एंड एकदम फ्रेश बनी है अभी, एकदम गरम गरम सी है। एंड इसके अंदर जो कॉर्न डले हुए हैं वो भी, उसका भी काफ़ी ज़्यादा क्रंची क्रंची टेस्ट आ रहा है। मान लो कि आप बैठे हो यार, आपका फ्रेंड बैठा हुआ है, आपका फ्रेंड को खानी है मैगी एंड आपको खाना है पास्ता, तो आप मैगी पास्ता ऑर्डर कीजिए जिसमें से आप शेयरिंग करके खा सकते हैं। आपका फ्रेंड खाएगा मैगी एंड आप खाना पास्ता, तो दोनों में झगड़ा भी नहीं होगा। फ्रेंड्स चलो ट्राई करके अपनी अफगानी सैंडविच। एंड फ्रेंड्स देखने में तो इतनी बढ़िया इसकी प्रेजेंटेशन लग रही है, मतलब प्रेजेंटेशन के मामले में तो मैंने 10/10 दूंगी। मतलब जिसका मन नहीं कर रहा होगा ना खाने का, प्रेजेंटेशन देख के तो वो अपने आप ही खाने आ जाएगा। एंड काफ़ी बड़ा सैंडविच लग रहा है मेरे ख्याल से, दो को तो खाना ही पड़ेगा, पर देखते हैं आप टेस्ट करके कैसा होने वाला है। फ्रेंड्स ये ना इसके अंदर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स है, तो इसके अंदर काफ़ी क्रंची क्रंची फ्लेवर आ रहा है मुँह में, तो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड इसके अंदर जो सॉसेस डली हुई है जैसे मेयोनीज वगैरह, उन सबका भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आ रहा है। इनकी जो सैंडविच है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्रंची क्रंची है, तो एकदम एकदम क्रंची क्रंची सा मुँह में एकदम हो चुका है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। इसके अंदर ना वेजिटेबल्स में ना पनीर भी डला हुआ है। ज़्यादातर सैंडविचेस में, ऐसी सैंडविचेस में पनीर नहीं होता, पर इनमें है। अब मैं आपको ऑपरेशन करके दिखाती हूँ इसका थोड़ा सा। फ्रेंड्स देखिए अंदर से, इसके अंदर काफ़ी वेजीज है, चीज़ भी डली हुई है इसके अंदर, एंड एकदम बढ़िया लग रहा है, तो एकदम अच्छा है, हेल्दी ऑप्शन भी हम इसे कह सकते हैं, तो यम्मी भी लग रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आपको काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही हो तो ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है खाने के लिए, तो आप इसे खा सकते हैं। इसकी जो ब्रेड है वो एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, बाहर से क्रंची सी है। एंड इसका नाम अफगानी सैंडविच इसलिए है बिकॉज इसके अंदर जो टैंगी टैंगी अच्छा सा फ्लेवर आ रहा है वो इसकी तंदूरी सॉस से आ रहा है, तो इसलिए इसका नाम है अफगानी सैंडविच। तो चलो अब इसे इंजॉय करते हैं, तो मिलते हैं आपसे खाने के बाद। अब मैंने अपना खाना कर लिया है फिनिश, एंड मेरे को तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। एंड सबसे बढ़िया बात ये थी कि इसके अंदर मतलब बिल्कुल भी मिर्ची नहीं थी, तो एकदम सही लगा मेरे को। तो फ्रेंड्स इसी बढ़िया विदेशी खाने के साथ इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। शुरू करें व्लॉग, अच्छा लगा हो तो जल्दी जल्दी लाइक करो एंड जल्दी सब्सक्राइब करो। भैया ये तो चीटिंग होती है, सब्सक्राइब नहीं करते। एंड इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करो, एंड सब्सक्राइब बटन के बगल वाले भैया जी बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए, जिससे आपको पता चलता रहेगा मेरी वीडियो कब कब आती रहेगी, आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। तो बाय फ्रेंड्स, के लिए आ ही जाए बस। एंड इतना मतलब